यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। एक युवती ने प्रेमी के कहने पर YouTube वीडियो देखकर अपना गर्भपात कर लिया। बॉयफ्रेंड ने भ्रूण को दफना भी दिया। अस्पताल में हुए उपचार के दस्तावेज हाथ लगने पर परिजनों ने युवती से पूछताछ की और सारा मामला सामने आया। जांच पड़ताल में बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा होने का पता चला। पुलिस ने उसके खिलाफ दुष्कर्म और जबरन गर्भपात करवाने का मामला दर्ज किया है। आरोपी गरीब नवाज नगर निवासी सोहेल खान बताया गया। 24 वर्षीय पीड़िता अपने परिवार के साथ यशोधरा नगर थाना क्षेत्र में रहती है। 5 वर्षों से उसके सोहेल के साथ प्रेम संबंध थे। उसने शादी का झांसा देकर युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इससे वह 6 माह की गर्भवती हो गई। उसने सोहेल को गर्भवती होने की जानकारी दी और जल्द से जल्द विवाह करने को कहा। सोहेल हमेशा की तरह टाल मटोल करता रहा। ऐसे में युवती ने खुद ही डागा अस्पताल में जाकर अपना उपचार शुरू किया। पति की जगह सोहेल का नाम दर्ज करवाया। डॉक्टरों ने उसे सावधानी बरतने की सलाह दी। 10 अगस्त को युवती के परिजन मुंबई चले गए। इसी दौरान युवती घर में गिर गई। पेट में दर्द शुरू हो गया। उसने सोहेल को फ़ोन लगाया। सोहेल ने YouTube पर वीडियो देखकर गर्भपात करने को कहा। युवती ने भी उसकी बात मान ली। वीडियो देखकर भ्रूण को बाहर निकाला गया, कैंची से नाल भी काट ली। इसके बाद सोहेल घर पर पहुंचा। उसने भ्रूण लिया और ताज नगर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। बाद में सोहेल ने युवती से दूरी बना ली। विवाह की बात करने पर वह विवाद कर फ़ोन काट देता था। इस वजह से युवती तनाव में थी। उसे अपने भविष्य की चिंता भी सता रही थी। उस दिन पहले परिजन मुंबई से वापस लौट आए। घर में ही बेटी के उपचार के कागजात हाथ लगे। पूछताछ करने पर पीड़ित युवती ने सोहेल के बारे में बताया।